तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रिपब्लिक डे सेल चालू था अमेजोन पे। तो मैंने परचेस किया है बोट का वेव स्टाइल कॉल स्मार्ट वॉच है विद ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर अंडर 2000 रुपीज़ जस्ट। तो इसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसे मैं अभी ओपन करता हूँ नेक्स्ट। तो कुछ ऐसा देखने मिलेगा, ये बाहर का बॉक्स, और फिर जो है इसे मैंने ओपन कर दिया है। और इसे आप नीचे से भी वैसे ओपन कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे कि जो चार्जर चार्जिंग के लिए जो केबल दी है वो नीचे से इजीली निकल जाएगी, वरना आपको प्रॉब्लम ना आए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, और मैनुअल दिखेगा आपको, बहुत सारे स्टिकर भी है इसमें। सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, फीचर्स एंड ऑल। तो इसे हम इग्नोर करते हैं, और ये है केबल। तो वॉच को हम रिमूव करते हैं। तो इसका हम ऊपर से जो है ये निकाल देते हैं, और कुछ आपको ऐसा देखने मिलेगा। ये मैं पूरा आपको एंड पार्ट भी दिखा देता हूँ कि इसके पीछे क्या है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है जो आपको ध्यान से निकालनी है, और निकाल देने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये है चार्जर का जो पॉइंट है, यहाँ पे करना है। और यहाँ पे आपको लाइट्स डिस्प्ले ये करेगा, और ये सेंसर है यहाँ पे जो है आपको सारी डिटेक्ट चीज़ें करेगी जो हेल्थ की है, जिसके लिए ये वॉच है स्पेसिफिकली। तो इसे मैं आपको स्टार्ट करने के लिए इसे 2-3 सेकेंड इसे होल्ड करना पड़ेगा, और ये स्टार्ट हो चुकी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऐसा दिखेगा इसका इंटरफेस, और यहाँ पे है क्रिकेट स्कोर के लिए अगर आप स्क्रॉल करते हो तो नीचे। बट इसके लिए आपको ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन ये आपको आपकी बाकी चीज़ें बताएगी कि ब्राइटनेस मोड सेटिंग्स एंड ऑल, फाइंड माई फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें। जैसा कि ये काफ़ी जो है इसका बहुत सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जल्दी ऑफ हो रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा स्टेप्स का काउंट बताएगा, SPO, फिर हार्ट रेट और स्लीप काउंट करेगा। अभी तो यहाँ पे दिखा रहा है डिसकनेक्टेड है, तो मैं इसे आपको कनेक्ट करके बताता हूँ फ़ोन से। सो गाइज, इस ऐप का नाम है जिसे आप इसका स्मार्टवॉच जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, वो है बोट क्रैश, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउ करनी पड़ेगी स्टार्ट में, जैसे कि बैटरी सेवर एंड ऑल। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी स्मार्ट वॉच जो है जिसे कनेक्ट करना है। तो ये है वेव स्टाइल, तो वेव स्टाइल मेरा नहीं है, वेव स्टाइल कॉल है मेरा, तो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। और फिर ये जो है डिवाइस को सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे अभी ये पेयर हो रहा है, और पेयर होने के बाद सारी चीज़ें जो है यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकेंगे हम लोग। तो गाइस, आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे भी कि ये सक्सेसफुली पेयर हो चुका है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ, और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, फिर नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें सेट करनी है इसमें। तो पहले तो है कि ये गोल्स पूछेगा, अगर आपको कोई गोल सेट करना है फिटनेस के लिए आप में, अगर ये स्पेसिफिकली अगर कुछ काउंट करना है तो ये आपका ट्रैक डाउन करते ही रहेगा। सो गाइस, ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, सामने बताएगा स्टेप्स काउंट्स आपके, हार्ट रेट, फिर SPO2, फिर स्लीप स्कोर, और ये सारी चीज़ें आपको बताएगा यहाँ पे। एक्टिविटी अगर कुछ फिटनेस प्लान्स है आपको सेट कर सकते हो। ये है स्मार्ट वॉच के लिए, यहाँ पे कनेक्टिंग के लिए, ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, जो कि है यहाँ पे सिंक कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो मैं अभी पेयर नाउ करता हूँ, तो पेयर करने के लिए ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसे पेयर एंड कनेक्ट पे मैंने ब्लूटूथ को कर दिया है ऑन फ़ोन से, तो अभी ये कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो अभी इसे अलाउ करना है टू, मतलब अनेबल करने के लिए सारे ऐप नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो इसे परमिशन दे देनी है सारी। तो बोट क्रेस्ट को मैंने परमिशन दे दी है, कॉल के लिए, SMS के लिए, ऐप के लिए। तो ऐप में भी आपको कौन से सोशल मीडिया की जो है चाहिए सारी चीज़ें, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके और यहाँ पे मैंने सेव कर दी है। तो गाइस, इसके सेटिंग्स में ऐप के जाने के बाद फिर आपको मिलेगा वेव स्टाइल कॉल के फीचर्स। तो वॉच फेसेस जो है आपको दिखने मिलेंगे यहाँ पे, तो वैसे चार है,
आप यहाँ से वॉच से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, जैसे कि 4 है यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है। तो अगर आपको इसमें से कुछ अगर नहीं चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप बैकग्राउंड में भी बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि बताया है ऑफिशियली तो 600+ फेसेस है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनली आपके फ़ोन गैलरी में से कोई सिलेक्ट करना है तो वो भी आप इसे सेट कर सकते हो, यहाँ पे शो होगा। फिर उसके बाद है अलार्म का ऑप्शन, सेडेंटरी रिमाइंडर, फिर नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशन पे आपको सारी चीज़ें जो है अनेबल कर देनी है, पता चलेगा। फिर ब्लूटूथ कॉलिंग है, फाइंड माई वॉच भी है, तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये फ़ोन अभी ये वाइब्रेट हो रहा है, तो ये वाइब्रेट होगा तो ऐसे बताएगा, तो ये वॉच भी फाइंड करता है। अगर आपको फ़ोन भी फाइंड करना है तो आपको जो है यहाँ पे फ़ोन भी फाइंड कर देगा, जैसे कि ये यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड माई फ़ोन, तो जैसे कि मैंने अनेबल किया है तो कॉल जो है यहाँ पे रिंग कर रहा है, तो ये फाइंड माई फ़ोन ऑप्शन ये भी सही है। तो आप ये सब देख सकते हो, और बाकी सारी ये सब फिटनेस की चीज़ें है, जैसा कि ये स्मार्ट वॉच है तो आपको हेल्प करेगा सारी चीज़ें मेंटेन करना, यहाँ पे बताएगा। तो गाइज अगर आपका बजट है 2000 रुपीज़ तो ये बेस्ट ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। आपको अगर अच्छी लगे तो आप इसे परचेस कर लेना, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू।